मुझे लगता है कि जब राम जी के मंदिर का निर्णय आया, मुझे याद है, आपको भी याद होगा, पूरे देश ने खुशियां मनाई। इवन हम कह जरूर रहे थे कि भाई एक वर्ग लड़ रहा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां से भी कोई विरोधाभास नहीं हुआ। राम जी का जन्म कहाँ हुआ था? सारी दुनिया इस बात को प्रमाणित करने में लगी रही। बाकी शास्त्र प्रमाण है कि भगवान श्री राम भारतवर्ष की भूमि पर, अयोध्या की धरती पर, सरयू नदी के तट पर श्री रामलला प्रकट भए, और सारी दुनिया जानती है, लेकिन वहां भी हम अपने लॉजिक खुश नसीब है कि हम वहां पर उसके पड़ोस में पैदा हुए, उसी सरयू घाट के बगल में। लेकिन जो सवाल उठाते हैं, पूछते हैं कि लोग जो सवाल उठाते हैं, क्योंकि मैं आपसे लॉजिक लेना चाहता हूं, क्योंकि आप कथावाचक हैं, आपका लॉजिक जो है वो दूर तक जाएगा। आपके पास, आप रोज इसमें प्रोफेशनल मास्टर हैं, मैं सवाल पूछने में मेरे शायद थोड़ा एज होगा आपको जवाब देने में। वो ये सवाल ये पूछते हैं कि हमें ये पता रहा कि भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ, लेकिन जब आप पूछते हैं कब हुआ, तो कहते हैं त्रेता में हुआ। अब त्रेता में कब हुआ, इसके बारे में लोग खामोश आते हैं, ये दूसरा वर्ग आता है जी। तो आप जानती हैं भगवान राम का जन्म कब हुआ था? नहीं, देखिए, अब एग्जैक्ट कोई ईयर, या जैसे हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो उनके बारे में बताते हैं, तिथि बताते हैं, वार बताते हैं, तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण का किस तिथि में जन्म हुआ, वो गोसाई जी ने लिखा है कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत नघामा, पावन काल लोक विश्रामा, चैत्र का महीना नौमी तिथि थी, मध्यान्ह का समय था, दोपहरी का समय था, पावन काल लोक विश्रामा। मतलब मानते ना, दोपहर का समय थोड़ा विश्राम का समय होता है, तो राम जी ने मध्यान्ह का समय चुना, क्योंकि राम जी खुद मध्यस्थ हैं, एक्सट्रीम नहीं है किसी भी चीज़ में, तो ना सुबह ना शाम, ना बहुत गर्मी ना सर्दी, तो उन्होंने नौमी तिथि को ये चुना गया। और उनकी जो लेखनी है बाबा तुलसीदास जी की, उसमें भी वर्णन आता है, जोग लगन गृहवार तिथि सकल भय अनुकूल, मतलब दुनिया की जितनी भी ग्रह हैं, अच्छी तिथियां हैं, वो सब इकट्ठी हुई और तब राम जी का जन्म हुआ। 22 तारीख वो तारीख है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, जनवरी में शायद, अगर मैं गलत नहीं, जनवरी 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। बचपन से आपने भी सुना होगा मंदिर वहीं बनाएंगे, कई लोग मजाक उड़ा तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख आ गई। चित्रलेखा जी जाएंगी या आप कभी गई हैं रामलला के दर्शन करने? मैं बिल्कुल गई हूँ, मैं, और शायद मुझे याद है, आखिरी बार राम मंदिर का निर्णय आने से लास्ट जो दीपावली थी, उस दीपावली पर एक जी न्यूज का कार्यक्रम था, उसमें यही प्रस्ताव चल रहा था कि राम मंदिर बनना चाहिए, वो दीपावली का समय था, तो उसी कार्यक्रम में मुझे बुलाना हुआ, और उससे शायद 15-20 दिन बाद ही ये निर्णय आ गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो, एक गिलहरी जैसे जाती है, उसे लगता है कि मेरे कारण सेतु बन गया, तो उससे पूर्व में गई, और उसके बाद भी अभी कई बार जाना होता है। अंदर जाके रामलला के जो टेंट में रामलला थे, जी मैंने किए थे, और उस समय देख कर के हृदय बहुत दुखी भी हुआ था, क्योंकि मैंने पहली बार दर्शन किए कि इस परिस्थिति में राम जी को प्रूफ देना पड़ रहा है कि मैं अयोध्या का हूँ, और उनकी जो थोड़ी स्थिति जिस तरीके से है, वो मुझे लगा कहीं ना कहीं गलत है, पर कुछ समय बाद वो निर्णय आया। और कोर्ट के आदेश से उन्हें कपड़े बदले आते थे, अगर कपड़े बदलना हो तो आपको इजाजत लेनी पड़ती थी कि राजा राम में कपड़े जो हैं, अब वो सरकारी आदेश आएगा अच्छा, तो बदले जाएंगे, नहीं आएगा तो फिर वो रहेंगे, या एक समय सीमा के बाद बदले जाएंगे। तभी तो देखो, मुझे लगता है कि जब राम जी के मंदिर का निर्णय आया, मुझे याद है, आपको भी याद होगा, पूरे देश ने खुशियां मनाई। इवन हम कह जरूर रहे थे कि भाई एक वर्ग लड़ रहा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां से भी कोई विरोधाभास नहीं हुआ, क्योंकि ये राम जी की भूमि है, यहाँ पर सबको स्वागत करना चाहिए। बच्चा बच्चा नाचा कि राम जी के मंदिर का जो निर्णय है वो पास हुआ। मुझे लगता है 22 जनवरी को जब ये राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, हर व्यक्ति को दीपावली मनानी चाहिए, खुशियां मनानी चाहिए, क्योंकि हमारे आराध्य मंदिर में ससम्मान विराजित होने वाले, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है।